आज हम बताने वाले हैं साबूदाना खीर कैसे बनाना है। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि जब आप साबूदाना बनाते हैं तो साबूदाना चिपचिपापन क्यों होता है, ऐसे चिपचिप होता है ना जब, तो आप मैं बताऊंगा कि आपको साबूदाने कौन से लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं। साबूदाना दो प्रकार के होते हैं, एक तो बड़े साइज के होते हैं और एक छोटे साइज के होते हैं। तो आपको छोटे साइज वाले साबूदाना लेने हैं। बड़े साइज वाले क्या होते हैं, फ्राई होते हैं, और छोटे साइज वाले हमेशा सोक होते हैं। तो सोक करने के लिए हम सबसे पहले 100 ग्राम ले लेते हैं साबूदाना, उसमें पानी डालेंगे और उसको अच्छी तरह से पहले वाश करेंगे। वाश करने के बाद 1 आवर तक उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक पतीला लेंगे, पतीले में हम दूध गर्म करेंगे। दूध हम मीडियम फ्लेम में, हमें गैस रखनी है। दूध को हम खाली कर लेते हैं, उसके बाद हमें धीरे धीरे स्टेयर करना है। स्टेयर करते रहना जब तक बॉयल नहीं आ जाता। तब इस बीच में आपको ध्यान रखना है कि आपको मीडियम फ्लेम में ही गैस को रखनी है, हाई स्पीड में नहीं रखना है, नहीं तो जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूध नीचे लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप जैसे ही बॉयल आता है तो आपको कुछ नहीं करना, धीरे धीरे गैस को और मीडियम फ्लेम में रख देना है, नहीं तो दूध नीचे गिर जाएगा। तो आपको धीरे धीरे स्टेयर करते रहना है, अच्छी तरह से उबाल लेना है। उसके बाद हमने जो ले रखा साबूदाना, तो हम साबूदाना इसमें ऐड कर देंगे। साबूदाना ऐड करने के बाद इसको हमको स्टेयर करना है। स्टेयर नहीं करेंगे तो अगर इसको ऐसे छोड़ते हैं तो ये नीचे लग जाएगा। लग जाएगा मतलब नीचे पकड़ लेगा, तो आपको फिर दिक्कत होगी, फिर आपको नया बनाना पड़ेगा। तो इससे पहले कि आप इसको हल्का का स्टेयर करें, फिर उसके बाद हम शुगर ले लेंगे। शुगर में कंकड़ वंकड़ देख लेंगे हम, क्योंकि मार्केट से लाते हैं कंकड़ वगैरह रहता है। तो उसको हम धीरे धीरे साफ करके हम उसमें ऐड करेंगे शुगर। आप जितना मीठा खाते हो, आप अपनी क्वांटिटी से कितना मीठा खाते हैं वो देखकर आप ऐड करना, तो इस हिसाब से। तो उसके बाद हमको कुछ नहीं ज़्यादा करना, धीरे धीरे उसको पकने देना है। चिपचिपापन क्यों होता है, जब आप वाश नहीं करते इसलिए चिपचिपापन आता है उस पर। हम इलायची, हरी इलायची लेंगे, उसमें हम उसके दाने निकाल के डाल देंगे। इससे हरी इलायची का होता है अच्छा फ्लेवर मिलता है। उसके बाद स्टेयर करेंगे, स्टेयर स्लो मीडियम में छोड़ देंगे। उसके बाद हम अपने ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं। ड्राई फ्रूट्स के लिए मेरे पास काजू, पिस्ता, किशमिश, आलमंड, ये सब चीज़ें हैं। अगर आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो तो आप डाल सकते हैं। देखते रहना बीच बीच पे, आपको कहीं लग ना जाए। तो अब इस क्वांटिटी में ले लिया मैंने, तो मैं इसको अब ऐड करूँगा, जिससे इसमें से थोड़ा सा आपको बचा लेना है। मैं बताऊंगा आपको बचा के क्या करना है उसको। अब पहले आप अगर ड्राई फ्रूट डालते हैं, तो अब इस टाइम पे अगर ड्राई फ्रूट आप डालते हैं तो इससे क्या होता है कि जो खाने का एक क्लिक मिलता है, हल्का सॉफ्टनेस, नहीं तो हार्ड होता है, चप थोड़ा सा अजीब सा लगता है खाने पे। तो आप इस समय डालें तो सॉफ्ट बनने रहेगा, और अच्छे से पकने देंगे थोड़ी देर तक। और उसको आपको बीच बीच में देखते रहना है, कहीं लग ना जाए नीचे। उसको स्लो मीडियम में छोड़ देंगे पकने के लिए। देखते रहना कि हमारा साबूदाना हुआ कि पका हुआ है, अभी बाकी है। बीच बीच में जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप तो देखते रहना बीच बीच में। अभी देखिएगा, अभी लगभग हमारा रेडी हो चुका है। अभी देखिए इसका थिकनेस कितना अच्छा लग रहा है, देख के पता ही चल रहा होगा कितना अच्छा बना है। मैं देख लेता हूँ मेरा ये साबूदाना अभी रेडी हुआ कि नहीं हुआ साबूदाना खीर। तो अभी रेडी होने में बाकी थोड़ा सा कच्चापन लग रहा है, इसको और थोड़ी देर पकाते हैं। आप इसकी थिकनेस देख के पता चल ही रहा होगा कितना अच्छा बना है, कितना टेस्टी बना है। तो आपको जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा बना हुआ है। और अगर आपको खाना है तो आपको तो बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा तो फटाफट से मार्केट जाएं और मार्केट से साबूदाना लाएं और घर पर बनाएं। बहुत ही जल्दी वाला बनने वाला खाना है ये। कोई भी स्वीट डेजर्ट आपको बनाना है तो आप फटाफट बना सकते हैं। मैं ठंडा हो गया, देखिएगा मैं निकाल लिया। उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे खाने के लिए। अभी ये रेडी हो गया है, तो हम इसको अभी देख रहे हैं इसकी थिकनेस कितना क्रीमी टाइप दिख रहा है आपका। तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही जल्दी। तो अब इसको मैं एक बाउल में खाली कर लूँगा। मैं इस तरह से बाउल में खाली कर लेता हूँ। आप इसकी थिकनेस देख रहे हैं ना, कितना वो क्रीमी टाइप दिख रहा है आपको। खाने में आपको आनंद ही आ जाएगा। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इस रेसिपी को फॉलो करें। अगर मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और मेरे को सपोर्ट करें।
अब जो हमारे पास से ड्राई फ्रूट हमने काट के रखा था उसको हम गार्निशिंग करेंगे इसमें। ये देखिए कितना लुक, कितना प्यारा लग रहा है आपको देख